हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यु यू आई एस एंड इन द क्लास ऑफ सुपर फाइव टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से हर बार एग्जाम के अंदर आपको वन टू टू क्वेश्चन मिलते हैं लॉजिकल रीजनिंग ईजी टॉपिक है एक तरह से आप ये देखो कि हर एक टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं लॉजिकल रीजनिंग से इंटरेस्टिंग भी होते हैं ईजी भी होते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो लॉजिकल रीजनिंग की इन दैट केस जो भी फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आपको एग्जाम में मिलते हैं आप सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है तो अभी आज के क्लास के अंदर जो टॉपिक कर रहे हैं हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो उससे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं वो आपने देखना और उसके बाद में ये भी चेक करना है कि हाँ इसके लिए मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ कहा से करूँ कैसे करना है हमने ओके बिकॉज वन टू टू क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप कंसिडर करके चल सकते हो कि आपको एग्जाम में मिलेंगे ईजी है तो ये सोच के नहीं चलना कि हाँ जी एग्जाम के अंदर हो जाएगा बट प्रैक्टिस मस्ट है बार बार आपको रिपीटेडली मैं यही कह रही हूँ कि प्रैक्टिस मस्ट है जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है उनको भी मैं यही बार बार कह रही हूँ कि बेटा अपनी प्रैक्टिस बना के रखो सभी ने प्रैक्टिस जरूर करनी है डेली वन आवर तो डिवोट करना ही करना है अगर आपका कंप्लीट सिलेबस है तब भी ओके okay? तो इसलिए प्रैक्टिस सेशन हम आपको साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं कि चलो साथ साथ आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी डन अब देखिए न्यूमेरिक सीरीज से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज जब हम बात करें न्यूमेरिक दैट कि अल्फाबेट भी यहां पर हमारे पास में न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं इवन यू कैन गेट सम सिंबॉलिक वैल्यूज सिंबल्स आपको सीरीज के अंदर मिल जाए तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है अल्फाबेट्स है और नंबर्स है अब सीरीज के अंदर क्या हो रहा है पहले दे रहा है आपको के एम फाइव

सेवेंथ पोजिशन ई इज एट फिफ्थ पोजिशन अब जैसे ही हमने यहाँ पे नंबरिंग मेंशन कर ली वहीं पे हमारा माइंड अब वर्क करना शुरू कर देगा कि क्या हो रहा है हां जी टू टू का डिफरेंस है माइनस हो रही है वैल्यूज तो थर्ड के लिए हमारे पास में क्या जाएगा फाइव से टू को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें थ्री एंड थ्री पे क्या आता है यस yes, थ्री पे आता है आपके पास सी जैसे ही हमने देखा सी तो वैसे ही हमारे माइंड में क्या होगा कि जी ये दोनों तो हो नहीं सकते ऑप्शंस को साथ साथ में लेके चलना है ठीक है ना ऑप्शंस को साथ में ध्यान में रखो कि हां क्या है ताकि हम कम टाइम में सॉल्व कर सके अब जैसे यहीं पे है दो ऑप्शन बच रहे हैं और दोनों में यहां पे वाई है दैट मीन्स वट कि अगर हम बीच वाले को चेक नहीं भी करेंगे तो आएगा तो वाई ठीक है वैसे एक बार मैं बता देती हूं बन क्या रहा है यहां पे दिस इज एट थर्टींथ पोजिशन सिक्सटींथी ट्वेंटी टू थ्री थ्री का डिफरेंस है ओके वी ट्वेंटी टू देन प्लस थ्री दैट मीनस की वाई वाई मिलेगा हमें थर्ड क्या है नंबर लास्ट क्लास के अंदर नंबर सीरीज हमने डिस्कस करी थी तो सेम वे यहां पे हम नंबर का लॉजिक देखते क्या आ रहा है है का गैप एंड तो क्या मिलेगा आपको सो आंसर विल बी सी वाई सेवनटीन सी वाई सेवनटीन इजी था देखो सभी को इजी लग रहा होगा इजी है थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो उसके अंदर एग्जाम के अंदर तुरंत क्लिक करेगा माइंड के अंदर कि हाँ ऐसे इसको सोल्व कर लेते हैं डन नेक्स्ट देखिएगा यस अगेन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है आपके पास अल्फाबेट है और नंबर है क्या है पी थ्री सी आर फाइव एफ टी एट आई एंड देन वी ट्वेल्व एल अब यहाँ पे भी देखिए सबसे पहले क्या है पी खुद से ट्राई करेंगे सभी सबसे पहले पी पी इज एट सिक्सटींथ पोजिशन ओके देन आर आर इज एट एटींथ पोजिशन

12 plus 3 is equal to 15 और 15 पे क्या मिलता है हाँ जी 15 पे क्या होता है ओ ओके okay? तो 15 पे मिलेगा आपको ओ सो आंसर विल बी इक्वल x 17 o x 17 o क्लियर सभी को समझ आ गया चलो फिर नेक्स्ट करिए सभी एक तो स्टूडेंट्स ना शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस अगर आपको रियल में लग रहा है कि हा दिस आर हेल्पफुल देन शेयर विद योर फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स है वही एक टीचर के मोटिवेशन होते हैं जैसे हमारी पूरी कोशिश होती है आपको फुली मोटिवेट रखने की सेम वे आपकी भी थोड़ी सी कोशिश होनी चाहिए कि हाँ मैम को भी थोड़ा मोटिवेटेड रखना है कि हाँ शेयर करें मैक्सिमम शेयरिंग होनी चाहिए ओके हां जी नेक्स्ट करिए जल्दी से सी थ्री ई फाइव जी सेवन आई नाइन क्या हो रहा है यहाँ पे थ्री फाइव सेवन ना इंटू टू का गैप है और साथ में ही एक अल्फाबेट भी है और अल्फाबेट क्या है अल्फाबेट की सेम पोजीशन है सी इज एट थर्ड पोजीशन और साथ में उसकी पोजीशन भी मेंशन है ई इज एट फिफ्थ पोजीशन जी इज एट सेवंथ पोजीशन साथ में ही उसकी पोजीशन है आई इज एट नाइन्थ पोजीशन साथ में उसकी पोजीशन है नाइन के बाद क्या आएगा इलेवंथ सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या आएगा हमारे पास इलेवन आएगा ठीक है अब इलेवन पे क्या है यहाँ पे देखिए इलेवन के, के 11, के 11, टू टू का गैप है इलेवन के बाद आएगा थर्टीन थर्टीन पे क्या मिलता है एम एम थर्टीन दैट आंसर क्या बनेगा आपके पास के इलेवन एम थर्टीन के इलेवन एम थर्टीन विल बी द करेक्ट आंसर ओके फॉरवर्ड बैकवर्ड नंबरिंग सभी को याद होनी चाहिए मैंने कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको बताया था कि सबको याद रखना है फॉरवर्ड नंबरिंग बैकवर्ड नंबरिंग साथ में ही अपोजिट लेटर्स अपोजिट लेटर सबको पता होना चाहिए हाँ जी नेक्स्ट इज मिसिंग सीरीज अब जो मिसिंग सीरीज होती है जिसके अंदर सिर्फ आपके पास कुछ अल्फाबेट गिवन होते हैं ये वाली तो हर बार एक सीरीज तो आपको ऐसी मिलेगी बेटा एग्जाम में यस yes, एक सीरीज आपको इस तरह की मिलेगी जिसके अंदर कुछ अल्फाबेट्स हैं और आपको पैटर्न देखना है कॉमन पैटर्न रिपीट हो रहा होता है एक पर्टिकुलर कॉमन पैटर्न रिपीट हो रहा होता है ऑलमोस्ट ठीक है एक तो इस तरह की सीरीज मिलेगी और दूसरी आपको जो अभी हमने की तीन सीरीज की थी उस तरह की सीरीज एग्जाम में मिल सकती है अब जैसे यहाँ पे ये अब जस्ट हमने फाइंड आउट क्या करना होता है कि कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है सबसे इजी होता है ये जस्ट एक बार फाइंड आउट अगर आपको करना है तो तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करते हो कि जो हमारे पास में पैटर्न गिवन है ठीक है ना जो कुछ गीवन है और मिसिंग है उन दोनों में से ये देखना है कि जो गीवन है क्या वो कहीं पे एडजस्ट हो सकता है okay? ओके और यहाँ पे जब रिपीट हो रहा है तो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स बन रहे होंगे कि हाँ ये ये वाला जो पैटर्न है इतनी बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे ये जो सीरीज है इसमें टोटल कितने अल्फाबेट्स गीवन है देखो जैसे यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्सटीन सेवन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर है ठीक है ट्वेंटी फोर है दैट मीन्स कि जो हमारे पास में पेयर है वो किस हिसाब से बन सकते हैं आपके पास हां जी जो पेयर है वो कैसे बनेगा थ्री इंटू एट भी हो सकता है ठीक है सिक्स इंटू फोर हो सकता है इंटू सिक्स हो सकते हैं। लिए? तो थोड़ा सा अब हमने में देखना है बट हमें यहाँ पे यह पता चल गया कि हाँ सिक्स सिक्स वाला बन सकता है सिक्स सिक्स के फोर पेयर बन सकते हैं यहाँ पे ठीक है तो बनाइए यहाँ पे थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है ठीक है पी यहाँ पे देखे तो ये अपने पास में फिर सिक्स का बन गया डन तो अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है जेड पी एक्स जेड पी एक्स मीन हम यहाँ पे भी क्या बनाएंगे जेड पी एक्स जेड पी एक्स कलर चेंज कर देती हो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए यस दिस इज जेड पी एक्स जेड पी एक्स मिल गया अब देखो यहाँ पे जो पैटर्न है इसमें स्टार्टिंग में क्या मिल रहा है मुझे एक्स वाई एक्स वाई जेड पी एक्स जेड एक्स वाई लास्ट में जेड पी एक्स अब लिखो स्टार्टिंग में है एक्स वाई दैट मीन की स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए एक्स वाई तो एक्स वाई एक्स वाई ये देखो एक्स वाई एक्स एक्स वाई क्या आएगा एक्स जेड पी एक्स एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स एक्स वाई एक्स हो गया पूरा अब हम देखते कि हमने क्या क्या फिल किया उसको कंप्लीट लिखो क्या आ रहा है पहले हमने फिल किया एक्स Then 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 P, then Z, then X, and then X. X, P P X, X. तो answer X, P, Z, X X X. X X X. and So A will be the correct answer. A will will be be the the correct correct answer. answer इस तरह की जो सीरीज है इन पे भी प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट देखिएगा हाँ जी अगेन सेम टाइप ऑफ सीरीज इज देयर अब यहां पे देखो क्या हो रहा है हाँ जी

डैश वाई उसके बाद में फिर डैश डैश पी जेड वाई अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या बन रहा है और यहाँ पे भी पी है यहाँ पे भी आपके पास में पी है That means कि पी जेड वाई पी जेड वाई अब पी जेड वाई है ठीक है अब यहाँ पे क्या आ रहा है स्टार्टिंग में एक्स अगर मैं यहां से पेयर बना रही हूँ ऐसे तो यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स डैश

दो तीन चार पांच फाइव एक्स होने चाहिए है ना अब देखो फाइव एक्स तो किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहे दैट मीन एक्स तो नहीं आएगा नाउ लिख के देखते अगर हम यहाँ पे वाई लिखते हैं तो यहाँ पे हो गया तो ये यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है देखो डी ऑप्शन जो है इसमें यही बन रहा है आपके पास में देखो जैसे हमने पहले बेटा एक्स पुट करके देखा तो यहाँ पे पांच एक्स मिल नहीं रहे और स्टार्टिंग से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए उसके बाद हम वाई पुट करके देखेंगे y दोनों में y की वन तो अगर मैं यहां पे y पुट करती हूं तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन रही है हाँ जी y z x y x y ओके okay? तो ये वाले देखो कौन सी ऑप्शन है z x y z x y d इज द कर ओके क्या जाएगा d विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को तो इस तरह की न्यूमेरिक सीरीज आपको एग्जाम में मिल सकती है जिसके अंदर अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखते हो तो जो ये मिसिंग टर्म वाली है जिसके अंदर एक्स वाई ए बी मीन जो मल्टीपल वाली जो सीरीज होती है ठीक है तो एक तो ये मिलेगी ही मिलेगी आपको एग्जाम के अंदर और बाकी जो मैंने दूसरी जो सीरीज बताई है उस तरह की सीरीज तो अगर आपको पैटर्न फाइंडिंग में दिक्कत आती है इन दैट केस हम चाहेंगे कि हाँ जी पहले अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें अगर आपको लगता है कि नहीं जस्ट प्रैक्टिस से हो जाएगा इन दैट केस प्रैक्टिस करनी है सभी ने अब बात आती है कि प्रैक्टिस करे कहाँ से करे कहाँ से तो अभी पीडिया के जो माइक्रोवर्सिज है उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया यहाँ से आप माइक्रोवर्सिस में जा सकते हो और जिस भी टॉपिक के आपको किसी भी टॉपिक के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ले सकते हो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो वेब नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल वेब नोट्स आप ले सकते हो ओके अगर आपको अभी यहाँ पे जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं आज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का भी मैंने अलग से लिंक प्रोवाइड किया है अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में प्रॉब्लम आ रही है इन दैट केस यू कैन टेक ओनली अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ओके अब यहाँ पे बात आती है कि जी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या करोगे क्लास वीडियो लेक्चर्स हम ले लेंगे ठीक है वहां से हम अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे और हर एक वीडियो लेक्चर्स के साथ में टेस्ट अवेलेबल है पीडीएफ अटैच है साथ में ही जो पर्टिकुलर ये जो वीडियो होगी उस पर्टिकुलर वीडियो के वेब नोट्स अवेलेबल है ओके अगर आपको वेब नोट्स की रिक्वायरमेंट आप वेब नोट्स ले सकते हो बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लॉजिकल रीजनिंग आई विल से दैट इज प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस के लिए आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ले सकते हो यहां पे आप देख सकते हो कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको फोर एटी नाइन प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल है ओके तो यहां से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले सकते हो जो विद डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको अवेलेबल हो जाएगा एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ क्विज जिससे आपको आ, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करते ओके सो सो स्टूडेंट्स इट वाज़ ऑल फॉर टुडे आई होप सभी को क्लियर है न्यूमेरिक सीरीज सभी अच्छे से कर लेंगे डन अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और जो न्यू यूजर हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना है सो so दैट जो भी न्यू वीडियो आती है सी सेट की उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ओके सो थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक बने रहिए अभी अभिमन्यु आइए इसके साथ थैंक यू